ऑन टाइप करंट ट्रांसफार्मर, तो बार टाइप हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बार टाइप आपने देखा, आपने यहाँ पे भी और भी डायग्राम्स आपने देखे थे यहाँ। जैसा आपने यहाँ पे देखा करंट ट्रांसफार्मर के टाइप्स है, बाउंड टाइप, ठीक है, ये बाइंडिंग टाइप है और ये बार टाइप। आपको दिख रहा है बेटा, देख पा रहे हैं आप, बाउंड एंड बार टाइप, ठीक है। तो यहां पर हम इसका जो डिस्कशन है हमारा, ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि अभी ये जो बार टाइप का है डायग्राम है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग नथिंग बट ए बार ऑफ सुटेबल साइज। मतलब ये इसका डायग्राम है प्राइमरी और सेकेंडरी, किस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। यहाँ पर ये इसका सेकेंडरी जिसमें हम मीटर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका कोर इंसुलेशन है, ये बार टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम सीटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये बाउंड टाइप, ठीक है। बाउंड टाइप जैसा आपको अभी यहाँ दिखाया था, कौन सा हो सकता है बाउंड टाइप का, इसमें देखिए आप, ये बाउंड टाइप है आपका, ये इस तरीके बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये इसका इंटरनल सर्किटरी अरेंजमेंट है, ये किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कैसा हो सकता है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकेंडरी है, माउंटेड ऑन इंसुलेशन, इंसुलेटेड। माउंटेड मींस हमको एक जो इसके अंदर एक साफ टाइप का इक्विपमेंट हम लगाते हैं, इसको रॉड बोलते हैं, उसके ऊपर हमें इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को मोल्ड माउंटेन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इट्स बाउंड बाय कंस्ट्रक्शन, द प्राइमरी इज बाउंड फॉर मोर देन वन फुल टर्न्स ऑन द कोर इन अ लो वोल्टेज बाउंड करंट ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरी वाइंडिंग इज बाउंड विद बैकलाइट फॉर्मर। बैकलाइट फॉर्मर का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे ऐसे इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप का आपने देखा, करंट ट्रांसफार्मर बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर होता है एंड बाउंड टाइप करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि अदर टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर और भी हो सकते हैं, जिसको रेक्टेंगुलर रिंग या स्टेडियम भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका रेक्टेंगल सीटी है, ये रिंग टाइप सीटी है और ये स्टेडियम टाइप सीटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीजों का हम इससे डिफरेंट टाइप के सीटी हो सकती है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई कितने टाइप का सीटी आपने पढ़ा है, एक्सप्लेन एनी वन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने टाइप के, अदर टाइप में भी आप जा सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि अदर टाइप का सीटी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉरी। तो ये इसमें कुछ स्पेशल टाइप के थे वो हमने देख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि और अदर टाइप के में रेक्टेंगुलर हो सकता है, रिंग हो सकता है, ठीक है। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, मतलब जो ट्रांसफार्मर आप करंट ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या पोटेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम बनाने जा रहे हैं, उसका किस तरीके से यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। मतलब क्या क्या हम यूज करते थे, निकल, आयरन, एलॉय और ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के बारे में पढ़ा है ना आपने, CRGO एलिमेंट का हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ इंसुलेशन एंड कलर्स एंड सर्कमफेरेंशियल मटेरियल्स ब्रेप्स ऑफ प्रेस वुड, व्हाट इज प्रेस वुड, प्रेस वुड प्रोवाइड एडिशनल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन